लेबनान में मंगलवार को पेजर विस्फोटों में 9 लोगों की मौत हो गई और 2800 लोग घायल हुए हैं। पेजर हमले के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और संयुक्त राष्ट्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ जहां संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में पेजर विस्फोट को लेकर चिंता जताई है, वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने करीब एक वर्ष से गाजा में चल रहे इसराइल हमास युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मंगलवार को लेबनान में पेजर विस्फोटों में 9 लोगों की मौत और 2800 लोगों का घायल होना गाजा युद्ध के करीब एक वर्ष में अत्यंत चिंताजनक वृद्धि है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक जेनिन हैनिस प्लास्टर्ट ने कहा, आज का घटनाक्रम पहले से ही अस्वीकार्य रूप से अस्थिर संदर्भ में बेहद चिंताजनक वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने सभी संबंधित नेताओं से किसी भी आगे की कार्रवाई या आक्रामक बयानबाजी से परहेज करने का आग्रह किया है। वहीं अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने मंगलवार को फिलाडेल्फिया में पत्रकारों से बात करते हुए इसराइल हमास युद्ध विराम का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि करीब एक साल से इसराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। संघर्ष समाप्त होने के बाद इसराइल को फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पर दोबारा कब्जा नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसराइल और फिलिस्तीनी हमास आतंकवादियों के बीच युद्ध विराम, दो राज्य समाधान और मध्य पूर्व स्थिरता का आह्वान किया है। पत्रकारों के सवाल में कमला हैरिस ने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि समझौतों को क्षेत्र में सभी सर्वोत्तम हित में किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि लेबनान में पेजर विस्फोट की घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। धमाके से ठीक पहले और पूरी घटना को दिखाने वाले इन वीडियो में लोगों को फल सब्जी के बाजारों में देखा जा सकता है। इस बीच अचानक एक ही धमाका होता है और एक व्यक्ति जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाने लगता है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को डर के मारे अपनी जगह पर खड़ा देखा जा सकता है। एक अन्य सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में एक शख्स को दुकान पर पेमेंट करते देखा गया है। इसी दौरान उसके पास धमाका होता है और कैमरे में धुएं की बड़ी लहर देखी जा सकती है। वहीं एक और वायरल वीडियो में एक व्यक्ति पेजर ब्लास्ट के बाद बेडरूम में तबाही के हालात दिखाता है। इसमें मेज की दराज के ऊपर नीचे बड़े छेद को देखा जा सकता है। इससे शीशे टूटते हैं और कमरे में मलबा गिरा हुआ नजर आता है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस घटना में लेबनान के ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी घायल हुए हैं। वहीं हिजबुल्ला के एक सदस्य के नाम न बताने की शर्त पर कहा गया है कि सबसे बड़ी सुरक्षा का उल्लंघन है। वहीं सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक जिन पेजरों में विस्फोट हुआ वह लेटेस्ट मॉडल थे और उन्हें हिजबुल्ला की ओर से लाया गया था। इन धमाकों के बाद बेरूत के दक्षिणी इलाकों में मौजूद तमाम अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। एक सूत्र के अनुसार बेरूत के दक्षिण लेबनान और पूर्वी बेका घाटी में हिजबुल्ला के गढ़ में सैकड़ों हिजबुल्ला सदस्य अपने पेजर में विस्फोट के कारण घायल हुए हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर से हमास शासित गाजा पट्टी में इजरायली हमले में कम से कम 41,252 लोग मारे गए हैं और 95,469 घायल हुए हैं। हमास के इसराइल पर हमला करने के बाद युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें इजरायली आंकड़ों के अनुसार 1200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।